गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। रात नींद बहुत अच्छे से हुई और अभी का जो प्रोग्राम है, अभी मैं इस वक्त अपने होटल के टेरेस पर हूँ और यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग है। मैं आपको भी 360 दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अभी हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे पमेट के लिए, क्योंकि हमें कल सुबह निकलना है नुब्रा वैली पैंगोंग लेक के लिए। 3 दिन का हमारा जो जर्नी रहे उसके लिए पमेट ज़रूरी होता है। तो अभी हम जाएंगे DC ऑफिस, वहाँ से पमेट इशू कराएंगे। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम होगा, अभी डिसाइड नहीं किया सब लोगों ने, वो जैसा भी होगा हम साइट सीन के लिए जाएंगे लोकल या क्या करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आपके साथ शेयर करेंगे ही सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि हर एक मिनट आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो अच्छे मोमेंट्स हैं। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट है, उसके बाद पमिट है, देन जय भी सारे प्रोग्राम बनता है शेयर करते हैं। तब तक के लिए आपको एक खूबसूरत सा 360 दिखाता हूँ अपने होटल की छत से, जो आई होप एंड आई श्योर यू कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो फाइनली परमिट मिल गए और ये रहा हमारा परमिट। हमें 3 घंटे लग गए इस परमिट को निकालने में। इसमें हमारा एक पैंगोंग का परमिट है और एक नुब्रा का परमिट है। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना। यहाँ 2 लाइन्स थी, एक ऑफलाइन के लिए एक ऑनलाइन के लिए। मीन्स अगर आपको ऑफलाइन पेमेंट करना है तो उसकी लाइन बहुत लंबी है। पहले आप पेमेंट करोगे, उसके बाद फिर उसको अप्रूव कराओगे। अगर आपने ऑनलाइन ऑलरेडी पेमेंट कर दिए नेट से निकाल कर, तो उसकी लाइन थोड़ी छोटी थी, वो भी काफ़ी लंबी थी लेकिन उससे थोड़ी छोटी थी। ऑनलाइन पेमेंट में भी ऑप्शन हैं। अगर आपका 2000 से ज़्यादा का पेमेंट है परमिट का, तो डेबिट कार्ड के थ्रू नहीं हो रहा है वो, ठीक है। वो सिर्फ 2000 के अंदर का पेमेंट डेबिट कार्ड के थ्रू होगा, और 2000 से ज़्यादा अगर पेमेंट है तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होगा। तो आप ये बात याद रखिएगा कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तभी आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे अबाउट 2000, और डेबिट कार्ड है तो 2000 के अंदर ही कर पाएंगे आप, ठीक है। हम लोग 9 लोग थे, हमारा पेमेंट था अप्रॉक्स 4500, तो हमें क्रेडिट कार्ड था तो हो गया, अदरवाइज हमें फिर ऑफलाइन पेमेंट करना पड़ती, तो हमें और टाइम लग जाता, शायद 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगते। तो फिलहाल ये हो गया है, तो हम जा रहे हैं रूम की तरफ। वहाँ से हमारा प्लान है यहाँ लोकल साइट सीन का, वो आपको शेयर करेंगे। तो अभी हाफ एन आवर लगेगा वहाँ पहुँचने में। मैंने बाकी आपको दिखाए थे शॉर्ट्स में कि ऑफिस के क्या हाल थे, कितने लंबी क्यूब थी, क्या लेंस का हाल था, लोग लड़ भी रहे थे, बहुत से झगड़े भी हुए वहाँ पर लाइन को लेकर, जो होते हैं ऑलमोस्ट सब जगह। तो फिलहाल ये एरिया बहुत खूबसूरत है, मैंने भी वो दिखाया आपको, आपने देखा होगा। तो अभी चल रहे हैं, उसके बाद जैसा भी होगा आप पता जुड़ जाएंगे वीडियो में। तब तक के लिए चिल करते हैं हम भी और आप भी। सो अभी हमारा ट्रैवलर आ चुका है और हम निकल रहे हैं लोकल साइट सीन के लिए। लोकल साइट सीन मतलब जब आप आओगे, जब आप आएंगे तो 1-2 दिन यहाँ रेस्ट भी करते हैं बॉडी एक्मेटाइज करने के लिए, क्योंकि अचानक तो नहीं जा सकते नुब्रा या पैंगोंग। तो जो यहाँ के लोकल साइट सीन है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ के लोकल, हम वहाँ जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं संगम, उसके बाद मैग्नेटिक हिल्स, फिर गुरुद्वारा, और उसके बाद हम इवनिंग में जाएंगे सनसेट के लिए शांति स्तूप। सो ये हमारा रूम की यहाँ से एंट्री थी। हम आ चुके हैं मेन रोड पर, तो साथ में मेरे समीर, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग आ रहे हैं देर। शयान, निदा, तस्मिया एंड फैजान ऑन द वे। सबूर, सबूर आ रहा है, चिल करना है। बिल्कुल, लॉट्स ऑफ फन। ओके, आ जाओ। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। संगम, ओ ये है संगम, और यहाँ 2 रिवर मिल रहे हैं यहाँ पर, एक जंस्कार और एक सिंधु रिवर। देख, आप देख सकते हैं 2
कलर्स ग्रीन एंड नॉर्मल कलर होता है आई थिंक वही है फिर। ओहो ये पूरा संगम पॉइंट है। डस्की कलर हाँ हाँ डस्की कह सकते हैं डस्की एंड ग्रीन। तो संगम में खूब एंजॉय कर लिया। अभी ये लोग आना नहीं चाह रहे हैं, अभी मैं और भी जगह जाना है, लेकिन इन लोगों के फ़ोटोज़ कंप्लीट नहीं हो पा रहे। इतने फोटोग्राफ्स ले चुके हैं लेकिन उसके बाद भी अभी और अभी और अभी और देखो आप क्या क्या हो रहा है। अभी भी गायब कर दे। हाँ नेक्स्ट वीक में इन लड़कियों को बिल्कुल गायब करना है, इनके फोटोज़ के चक्कर में बहुत परेशान है। देखो अभी कंटिन्यू फोटोज़ क्लिक हो रहे हैं। ये पूरा देखिए ये आ जाओ भाई चलना है। कोई सुनने वाला नहीं है भाई, कोई सुनने वाला नहीं है। भूख बहुत लग रही है, कुछ खाना भी है, अभी 15 मिनट के अंदर निकलना भी है यहाँ से, क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। संगम में खूब एंजॉय करने के बाद हम लोग पहुंचे मैग्नेटिक हिल्स। ये हिल्स मैग्नेटिक इसलिए हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब आप कोई भी गाड़ी पहाड़ पर चढ़ा दें फिर न्यूट्रल कर दें तब भी गाड़ी जी नहीं आएगी, हैंड ब्रेक हटाने के बाद भी। कमाल है यार। अब की बार ट्रैवलर्स हैं, नेक्स्ट टाइम जब अपनी बाइक से आऊँगा ना तो ये जादुई करिश्मा आपको ज़रूर दिखाऊँगा। बहुत हो रहा है, अब चले चलो। ओके 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 चलो भाई चलो नेक्स्ट लोकेशन के ऊपर आपसे मिलते हैं जल्द। सी यू बाय, टेक केयर। तो ये है गुरुद्वारा पत्थर साहब और अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया तो मैं यहीं से बाहर शूट कर रहा हूँ, एक जगह एंट्रेंस है यहाँ से। ये इसके बाहर इसकी यहाँ पार्किंग है और साहब ने मैगी टी स्टॉल जहाँ में जाके थोड़ी देर में मैगी खाना है क्योंकि अब बहुत भूख लग रही है। बिस्किट नमकीन से पेट नहीं भरा है क्योंकि सुबह तक कुछ नहीं खाया ब्रेकफास्ट के बाद, उसके बाद फिर मैगी का करते हैं कुछ। और थोड़ी देर में हम शांति स्तूप पहुंच जाएंगे। तो फाइनली वी हैव रीच्ड शांति स्तूप। यही है शांति स्तूप और ये काफी सारी कार्स यहाँ पर खड़ी हुई हैं। ओहो यही पार्किंग है क्या? पार्किंग यही है क्या? अच्छा अच्छा पार्किंग भी यही है। ओहो चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ। सो वी आर एंटरिंग इन शांति स्तूप, हियर द गेट। हवा काफी अच्छी और थोड़ा हम ऊपर आ गए हैं तो ऊपर आगे नीचे का व्यू कुछ ऐसा है। आइए वन नीचे का व्यू दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। वहां का व्यू देखो,
तो ये आ गया नीचे का व्यू। ओहो हो, मतलब आप किस किस चीज की तारीफ करोगे, किस किस चीज की तारीफ करोगे यार। चलें चलते हैं अंदर, ये पूरा एरिया शांति स्तूपा का। बाइसाइकिल्स आर नॉट अलाउड टू शांति स्तूपा। ओके, हम बाइसाइकिल नहीं लेके आ रहे हैं। शांति स्तूपा कैफे एंड रेस्टोरेंट, नीचे रेस्टोरेंट है उनके। चल हमें तो ऊपर चलना है। ओह, सो आज पूरा दिन खूब एंजॉय कर लिया है। अब ऊपर आकर थोड़ी सांस ऊपर नीचे हुई है ना? बाकी लोग कहाँ है भाई? सांस ले रहे हैं सब, सांस सबकी। मैं तो सांस नहीं लेते हैं क्या? यहाँ ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। ये फाइनली हम पहुंच गए शांति स्तूपा। सबसे चलें कुछ एक सीन शूट करते हैं। शांति स्तूपा डन, और अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ क्योंकि रात होने वाली है और 8 बजे के बाद सब कुछ बंद है। कल भी खाने की बहुत प्रॉब्लम हुई थी रात में हमें, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था और जो हमने फूड लिया था वो अच्छा नहीं था खास। तो अभी हम टाइम से पहुंच गए क्योंकि हमने कुछ एक होटल देखे थे, हम डिनर ले लें टाइमली। और आज जो कुछ भी हमने शूट किया है, जो भी एक्सप्लोर किया, आपका शेयर किया, आपने वीडियो देखी होगी। अगर पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अदरवाइज कल जैसा भी प्लान होगा आप डिस्कस करेंगे, फिर उसको जैसा भी होगा एक्सप्लोर करेंगे। सो तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और बाकी सब कुछ जैसा भी रहेगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय।